अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं आज आई हूँ हश पपीज़। मुझे आप लोगों की बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हश पपीज़ के भी जूते दिखाएं, क्योंकि मैंने कभी हश पपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। शायद बहुत पहले शायद 2 साल पहले कभी शेयर किया हो, लेकिन इसके बाद मैंने नहीं शेयर किया। तो आज जो हश पपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें उसकी प्राइसेस भी हैं। 1-2 आइटम्स पे उनका जो है वो सेल भी अभी चल रही है, अगर आप उनकी वेबसाइट पे देखें। और पिछले महीने उन्होंने अच्छी खासी सेल्स लगाई थी, लेकिन अब ये है कि विंटर कलेक्शन की बहुत अच्छी आई हुई है। और विंटर कलेक्शन के लिए ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, और कुछ आंटीज़ के भी आए थे कि प्लीज़ ऐसे कोई जूते दिखाएं जो उनके लिए कंफर्टेबल हों। तो मेरे लिहाज से हश पपी इज़ द प्लेस टू गो एंड बाय वेरी कंफर्टेबल शूज़। अगर आप पाकिस्तान में कोई अच्छी ऐसी ब्रांड जो कि इस तरह के सॉफ्ट कंफर्टेबल शूज़ फॉर लाइक, कुछ लोगों को घुटनों का मसला होता है, कुछ को होता है वो बहुत ज़्यादा हील्स नहीं पहन सकते, फ्लैट नहीं पहन सकते, तो मेरे ख्याल से हश पपीज़ ऐसी ब्रांड है जो आपके लिए बनी है। तो ऐसा है कि यहाँ पर जो जूते होते हैं वो मोस्टली मेडिकेटेड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इवन इनके स्लिपर्स इसी तरह के होते हैं, जो मैं भी वैरायटी आपको सारी दिखाऊंगी। आप लोग सारी गौर से देखिएगा। उसमें लोफर टाइप्स भी हैं, उसमें स्लिपर्स भी हैं, उसमें जो चप्पल होते हैं जैसे फ्लिप फ्लॉप वैसे भी हैं। और ये सारे चप्पल चाहे जितने भी मैं आपको भी दिखाऊंगी और मैं पहन के भी दिखाऊंगी, वो मोस्टली चप्पल ऐसे हैं जो कि बहुत कंफर्टेबल होते हैं। स्पेशली अगर आपने बच्चों के स्कूल के जूते या छोटे बच्चों के लिए कंफर्टेबल, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं ना कि हम तो फिर भी कोई गुजारा कर लेते हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं वो पहन भी लेती हैं कोई हील शेल अगर कंफर्टेबल ना हो, लेकिन बच्चे और एक जो एज हो जाती है ना, तो आप इस तरह के जूते नहीं पहन सकते जो आपको कंफर्टेबल ना लगे। तो उसके लिए ये है कि हश पपीज़ द बेस्ट प्लेस फॉर स्कूल शूज़ फॉर बच्चों की छोटी। अभी ये जो सामने आपको एक फैमिली नज़र आ रही थी, ये बच्चों के लिए ही जूते ले रही थी और बहुत अच्छे जूते थे। तो खैर मैंने कोशिश की है कि जो जूता मुझे अच्छा लगा है मैं आप लोगों के साथ उसकी प्राइस भी शेयर करूँ। हाँ, ये बात आप याद रखिएगा, ये PLO की प्राइस है 5,500 रुपये। ये जो ब्रांड है ये थोड़ी सी प्राइसी साइड पे, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त जूते बनाती है, बहुत कंफर्टेबल जूते बनाती है, तो इसकी प्राइस भी इतनी होती है। तो ये जो सैंडल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये 5,500 के हैं, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल सैंडल हैं। अगर इसमें आप चलते हैं तो आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ पहना है। और मेरा एक्सपीरियंस, जब मैं जॉब करती थी 2017, 18, 19, तो मैं कोयटा में पढ़ा रही थी, तो मुझे याद है कि शदीद किस्म की सर्दी थी कोयटा में, एंड मैं जॉगर्स पहनती थी, एंड देन जॉगर्स में मैं थक जाती थी। तो फिर मैंने हश पपीज़ के लोफर्स लिए थे अपने लिए, एंड बिलीव मी वो लोफर्स अभी भी मेरे पास पड़े हुए। मेरा उनसे दिल भर गया है, ना तो वो फटे हैं ना तो उनको कुछ हुआ है। और वो लोफर्स मैंने पता नहीं, यानी 2 साल मुसलसल सर्दियों में ऑन एंड ऑफ, जैसे एक दिन जॉगर्स पहन लिए, एक दिन वो पहन लिए, तो जिस दिन बारिश वारिश नहीं होती थी तो वो मैं पहन लेती थी। उसमें पैर मेरे पैरों के अकॉर्डिंगली थे, क्योंकि उसमें ऐसे जो थे ना पॉइंटी शूज़ नहीं थे वो। तो जब वो मैं पहनती थी मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती थी। तो ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करी। ये जो जूते मैं आपको दिखा रही हूँ ये बच्चों के जूते, बहुत खूबसूरत जूते थे। लड़कियों की साइड में आपको दिखा रही हूँ, बॉयज़ की भी बहुत अच्छी। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना वो हश पपीज़ से बहुत अच्छा रहा है। इसके जो होते हैं ना घर के चप्पल पहनने स्लिपर्स, वो इतने अच्छे हैं। और उस पर तो सीरियसली 999 की भी चप्पल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। शॉप पे जाके आपको पूछना पड़ेगा। शॉप वाला जो है ना वो बेचारों को प्राइस नहीं पता होती, कोई किसी क्या बता रहा था, किसी की क्या बता रहा था। तो जब आप ऑनलाइन देखेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने के हैं। दोबारा बता दूँ, प्राइसी होते हैं बट ये चलते बहुत हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत कम्फर्टेबल जूते होते हैं। और अब ये आपको नज़र आ रहे हैं नीचे सारे फोमिक होती हैं, अच्छे कंफर्टेबल शूज़ होते हैं। दिस इज़ 3,700 रुपीज़। प्राइसेस जितनी भी मैंने देखी है ना, मैंने कोशिश की है कि मैं आप सबके साथ वो सारी प्राइसेस शेयर करूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। कुछ जूते मैंने उनसे कहा था कि मुझे निकाल के दिखा दें ताकि मैं पहन के चेक करूँ, क्योंकि मुझे लेना है कंफर्टेबल जूता। और बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि मैं क्यों लेना चाह रही हूँ कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल जूता जिसमें मैं बहुत अच्छी खासी वॉक कर सकूँ। तो ये मैंने कुछ जूते निकाले थे। बिलीव मी, जो मरून जूता है ना, इसमें 2 या 3 कलर थे और ये सबसे प्यारा कलर था मरून। ये इतने कंफर्टेबल थे कि मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि मैंने कोई जूता पहना है। बिलीव मी दिस वन वाज, मेरे पास इसी तरह के लोफर्स पहले पड़े हुए लेकिन ब्लैक कलर के, लेकिन ये आप देख सकते हैं तो इसकी लुक बड़ी प्यारी है। और ये इतने कंफर्टेबल थे ना कि मैं कहती हूँ मैं 200% आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपने अपने लिए विंटर्स के बहुत कंफर्टेबल जूते लेने ना तो ये ज़रूर खरीदिए। ये हैं थोड़े एक्सपेंसिव, 5,000 रुपये का जूता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये 5 साल फटेगा भी नहीं, ये 5 साल ख़राब भी नहीं होगा। और इसकी एक और चीज़ बता दूँ, हश पपी पे जब आप जाते हैं ना तो जैसे ये जूते होते हैं या इस तरह के डिफरेंट मटेरियल के लेदर के जूते, उनके पास उन सबको मेंटेन रखने के लिए ना सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप उन एक दफ़ा ऑनलाइन चेक कर लें, जैसे ब्रश भी इनका अलग मिलता है, इनके परतावे जो होते हैं ना, जो अंदर आप परतावे डाल लेते हैं, जेल वाले अलग मिलते हैं, सॉफ्ट अलग मिलते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये वाले जूते लेने हैं तो इनकी मेंटेनेंस का सारा सामान आपको, ये पॉलिश वॉलिश नहीं करनी पड़ेगी, इनकी जितनी भी जो वैक्स और जो जो चीज़ें हैं वो आपको यहीं मिल जाएगा। तो ये आपका जूता जो 4 साल चलना है वो अब 6 साल और चल जाएगा, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस के बाद ये जूते बिल्कुल नए से लगते हैं। तो मेरा सीरियसली पर्सनली एक्सपीरियंस इनके सब बहुत अच्छा रहा है। ये चप्पल बहुत कंफर्टेबल थी, लेकिन ये आगे से मुझे नहीं आ रही थी। अगर आपको कंफर्टेबल फ्लैट चप्पल चाहिए, ये गोल्डन बहुत अच्छी थी। मुझे जो जो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, इन सबकी प्राइसेस मैंने पीछे शेयर की हैं, अगर आपने नहीं देखी आप दोबारा एक दफ़ा देख लें। ये चप्पल, ये इतनी कंफर्टेबल थी, ये कैंची चप्पल थी, जैसे हम कैंची बोलते हैं या अंग्रेज उनको इसको ऐसे फ्लिप फ्लॉप से बोलते हैं। थोड़े से पीछे से मींस इसकी थोड़ी सी हील्स थी, हील मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हील थी, बट ये बहुत प्यारे थे और इसमें एक बहुत प्यारे प्यारे कलर थे। एक ये था और एक ब्लैक कलर था और आई थिंक एक मरून कलर था। मरून कलर मेरे साइज़ का नहीं था, मरून बहुत प्यारा कलर था। तो ये आप देख सकते हैं, ये इतने कंफर्टेबल चप्पल थे कि आपको पैर में फील भी ना हो कि आपने क्या पहना। तो ये याद रखिए कि ये जो चप्पल है ना, ये बस कंफर्ट के लिए ना हश पपी इज़ दी बेस्ट ब्रांड। और देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चलेंगे भी बहुत ज़्यादा। अगर आप जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 2 साल मैंने पहने, मुसलसल ख़राब नहीं हुए, इसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये वाले जूते जो थे ना, ये मुझे बिल्कुल भी इतने ना अट्रैक्ट, कि पहन तो मैंने लिए थे, कंफर्टेबल थे, ये आगे से भी नहीं चुभ रहे थे, लेकिन ये पीछे से मेरे निकल रहे थे। जब मैं चलती थी ना तो पीछे से मुझे फील होता था कि ये ऐसे स्टेबल नहीं है। तो ये वाले तो मैं नहीं रेकमेंड करती, बट रेस्ट ऑफ द शूज़ आर वेरी गुड, वेरी नाइसली मेड, कंफर्टेबल। अगर आपने कंफर्ट जोन देखना है अपना, ये देखिए आप, ये जो मैरून नज़र आ रहा है आपको अंदर से, ये अंदर मेडिकेटेड है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जूते बहुत अच्छी क्वालिटी के जूते होते हैं हश पपीज़ के, जो कि आपको बहुत सूट करेंगे अगर आप लोग लेना चाहते हैं। तो आप लोगों की ये जो जितनी क्वेरीज थी अबाउट हश पपीज़, कि आपने हश पपी नहीं दिखाया, तो ये आप देख सकते हैं मैंने आपको। और ये देखिए कितना प्यारा है, इसके ऊपर छोटे छोटे से ना मोती से लगे हुए थे, और ये ऊपर से खूबसूरती भी है और नीचे से कम्फर्ट भी है। तो कुछ लोग मुझे बोलते हैं ना कि हम फलां इंसिग्निया नहीं पहन सकते, हम जो है वो ECS नहीं पहन सकते। तो उनके लिए मैंने ये कंफर्टेबल तरीन जूते दिखा दिए हैं, ड्यूरेबल, ताकि वो इसे लें और पहने। एंड विंटर्स में तो मैं ये तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे सीरियसली, ये बहुत खूबसूरत थे, ये पैर में लग भी बहुत प्यारे रहे थे। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा। ये जो चप्पल आपको नजर आए ना, मैंने अभी आपको दिखाए थे, ये वाले चप्पल जो हैं, ये इस पे सेल लगी है, ये आप लोग जरूर देखिएगा, 900 रुपीस में एक है। तो खैर, सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।